लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अक्सर विवादों में रहने वाले लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कई बार विवादित बयान देकर मुश्किलों में फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य अब अदालती पचड़े में फंस गए हैं। यही नहीं, इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य भी अदालत के फंदे में आ गई हैं। बेटी संघमित्रा और पिता स्वामी प्रसाद दोनों के खिलाफ अदालत से वारंट जारी किया गया है। दरअसल घरेलू विवाद में स्वामी और संघमित्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लोकसभा के चुनावी माहौल में पिता बेटी पर अदालती कार्रवाई से उनकी राजनीति पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य पर बिना तलाक लिए धोखाधड़ी से दूसरी शादी करने का आरोप लगाया गया है। धोखाधड़ी के इस प्रकरण में अदालत में पहले से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने धोखाधड़ी, मारपीट और गाली गलौज के मामले में पिता और बेटी को अदालत में हाजिर होने का फरमान सुनाया था, लेकिन अदालत में हाजिर न होने के चलते अब कोर्ट ने सांसद बेटी और लीडर पिता के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले वादी दीपक कुमार स्वर्णकार की याचिका पर ने संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला और ऋतिक सिंह को बतौर आरोपी कोर्ट में तलब किया था। आरोप है कि दीपक और संघमित्रा ने साल 2016 में शादी रचाई थी। इसके बाद कथित तौर पर सांसद संघमित्रा ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली थी। संघमित्रा मौर्य ने चुनाव शपथ पत्र में भी खुद को अविवाहित बताया है। सांसद संघमित्रा और पिता स्वामी प्रसाद मौर्य अब कोर्ट का वारंट जारी होने के बाद एक बार फिर चर्चाओं से घिरे हुए हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से कोर्ट का यह वारंट राजनीतिक मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य दोनों पर ही कोर्ट की कार्रवाई अगर आगे बढ़ती है तो राजनीतिक तौर पर भी दोनों नेताओं को नुकसान उठाना पड़ सकता है।